وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ذاك سد احترام قابل سد اكرام علي وقار مشاهدين ومشاهدات سامعين وسامعات जद्दा दावा सेंटर हई सलामा मम्लकत सऊदी अरब के तलबा और तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौज़ू सुखन है क्या ईमान में कमी बेशी होती है या हो सकती है। ईमान की कमी बेशी कुरान की रोशनी में कई लेक्चर्स भी हो चुके, ईमान की कमी बेशी हदीस की रोशनी में गुज़श्ता जुमा हमारा एक दर्स हो चुका है। आज भी हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को ख़त्म करने की हद्दुल इम्कान अल्लाह की तौफीक से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में बाब तफ़ाज़ुल अहले ईमान फिल अमाल, अहले ईमान का अमाल के लिहाज से एक दूसरे से अफजल होना या ईमान वालों के अमल में एक दूसरे से बढ़ जाना आयन मुमकिन है, इसको साबित करने के लिए बाब कायम किया है। इस सिलसिले में दो हदीसें लाए थे, गुज़श्ता दर्स में हमने तीन अहादीस की शरह की थी, आज आखिरी हदीस है इस सिलसिले की सही बुखारी की। और भी बहुत सारे हदीसें आज के दर्स में बहुत मुमकिन है किताब उल ईमान की नहीं है लेकिन सही बुखारी की हैं, जो हमारे मौजू से मुताल्लिक हैं वो सुनेंगे। अन अबी उमामा इब्न सहल इब्न हुदैफ अन्नह समिअ अबा सईद अल-खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु वरदा यकूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आप रसूलुल्लाह सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े मेरे भाई, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم طمس منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجر قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين اخرجه البخاري كتاب الايمان باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को किताब अल ईमान में जिक्र किया है। उसके अलावा हजरत उमर बिन खत्ताब के फजाइल में एक किताब ही इमाम बुखारी ने सही बुखारी में किताब फजाइल अस्हाब नबी के नाम से लिखी है, उसमें इस हदीस को जिक्र किया है। और इसके अलावा किताब ताबीर में दो तीन मकामात पर इमाम बुखारी ने इस हदीस को जिक्र किया है। तो कुल सही बुखारी में 5 मकामात पे हदीस मजकूर है। सही मुस्लिम में किताब फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को जिक्र किया है। इस हदीस का तर्जमा यह है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक दिन की बात है सो रहा था, कौन कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं एक दिन सो रहा था तो मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे और वो कमीज पहने हुए कुर्ता पहने हुए, किसी का कुर्ता सीने तक है, किसी का सीने के नीचे नाप तक है, किसी का और उससे नीचे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू ख्वाब में पेश किया गया, तो उनके बदन पर जो कुर्ता था वो काफी लंबा था, ऊपर से नीचे तक जमीन तक घसीटते हुए जा रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम ने आपसे पूछा, अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल इस ख्वाब की ताबीर क्या है, आपने ये जो ख्वाब देखा इसकी ताबीर क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे मुराद दीन है। अब इस हदीस की फवायद और उससे मसाइल क्या मसाइल साबित होते हैं जानने की कोशिश करते हैं। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज को ख्वाब में कमीज को देखा और कमीज से दीन को मुराद लिया आपने, तो दीन में और कमीज में क्या मुनासिबत है ये जानने की कोशिश करते हैं। कमीज के जरिए से इंसान अपने जिस्म के जो बाहर खारजी हिस्सा है, इंसान के जिस्म के दो हिस्से हैं, एक खारजी दूसरा दाखिली, दाखिली हिस्से तो जिस्म के खारजी हिस्से से महफूज हैं अंदर, और खारजी हिस्से को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अजियतों से बचाने के लिए लिबास काम देता है। तो इंसान इस कमीज के जरिए से अपने जिस्म के बाहर के हिस्से की हिफाजत कर लेता है, उसकी हिफाजत होती है। इसी तरीके से कमीज सर्दी के दिनों में बदन को गर्मी से गर्मी के दिनों में गर्मी से सर्दी के दिनों में सर्दी से महफूज रखता है। और उसका लिबास का एक फायदा ये भी है कि वो ज़ेबाइश बदन का काम करता है। जब हम लिबास पहन के निकलते हैं तो अच्छे से अच्छा लिबास हम जेब तन करके निकलते हैं तो हमारे जिस्म के हमारा जिस्म हमें अच्छा लगता है, तो देखने वाले भी उसको महसूस करते हैं, खुद हम भी महसूस करते हैं आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो अपना जिस्म हमें खूबसूरत नजर आता है। इसी तरह दीन और ईमान भी इंसान का महाफिज और पासबान है। दीन के जरिए से उसके अखलाकी हिफाजत होती है और ये दीन और ईमान इंसान के लिए सबसे बड़ी जीनत और ज़ेबाइश। दीन और ईमान जहन्नम की गर्मी और जहन्नम की सर्दी से इंसान को बचाता है। जहन्नम में दो किस्म के अज़ाब होते हैं, ज़म्हरीर भी है तो आग का अज़ाब भी है, सख्त सख्त सर्दी 0 पॉइंट जब सर्दी होती है तो आदमी का खून जम जाता है और ठिठर के रह जाता है, और गर्मी आग की लू के करीब जब आदमी रहता है तो गर्मी से तकलीफ महसूस होती है। तो दीन और ईमान इंसान को जहन्नम की गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। जब दीन हासिल हो जाता है आदमी को तो हर तरफ कदम बढ़ाने में सहूलत रहती है और इंसान दीनदारी के बदौलत अल्लाह के पास भी मुअज्जज मुकर्रम और मकबूल हो जाता है, और दीनदारी और ईमानदारी की बिना पर लोग भी इंसान की कदर और इज्जत करते हैं। अच्छा, आपने
हदीस जब आप सुन रहे थे तो नोट किया होगा, हदीस में कमीज के तीन मरातब बताए गए, पहला सीने तक, सीने के नीचे, फिर जमीन तक, ये तीन मरातब हैं, यानी यहाँ छातियों तक, फिर उससे भी कम और जमीन पे घसीटते हुए। तो उसकी ताबीर दीन और ईमान से की गई। तो इस हदीस से साबित हुआ कि अहले ईमान में दीन और ईमान के एतबार से फर्क मरातब और मकामात पाया जाता है, तफादुल पाया जाता है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसूद भी इस हदीस को किताब ईमान में लाने से यही है कि ईमान में कमी पेशी होती है, जिस तरीके से कमी छोटी बड़ी होती है। छोटी कमीज पहनेंगे तो जिस्म का कुछ हिस्सा ढका छुपा रहेगा, उससे लंबी आप कमीज पहनेंगे तो मजीद कुछ हिस्सा ढका छुपा रह जाएगा, और अगर पूरे जिस्म नीचे तक आप कमीज पहन लेंगे तो पूरे जिस्म का हिस्सा ढका छुपा रहेगा, महफूज हो जाएगा हर किस्म की अजियतों से, सर्दी से, गर्मी से। अच्छा, फतहुल बारी में ये जो फायदे आप सुन रहे हैं, फतहुल बारी में अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और साहब हिदायतुल कारी ने भी उसका तर्जमा किया है। इस हदीस के पेश नजर अहले ताबीर कहते हैं कि ख्वाब में कोई कमीज देखता है तो ये उसकी दीनदारी की अलामत है, और अपने कमीज को घसीटते हुए देखना इस बात की अलामत है कि मरने के बाद भी उसकी नेकियां जारी रहेंगी, उसके दीनी असरात दुनिया में बाकी रहेंगे, और उस शख्स की जो बाकी है सालिहात मरने के बाद, कुछ लोग बुराइयां छोड़ के जाते हैं जो उनके कब्र में बदियों के शक्ल में उनके नाम अमाल में दर्ज होते रहते हैं, और कुछ लोग नेक अमाल सदके जारिया के काम छोड़ के जाते हैं, बाकी सालिहात उनको कहा जाता है। तो अगर कोई आदमी कमीज को ख्वाब में पहने हुए देखता है तो इसका मतलब है कि वो दीनदार है, और उसके दीनी फवायद और उसके सदका जारिया के काम मरने के बाद भी बहुत देर तक दुनिया में उसके असरात बाकी रहेंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस हालत में पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा तो उसका मतलब ये था कि आपके जमाने में शिर्क और कुफर के असरात आपके जरिए से मिटाए जाएंगे, और हजरत उमर के ईमानी असरात देर तक दुनिया में बाकी रहेंगे, और हजरत उमर के जो जिंदा कारनामे हैं इस ख्वाब ने सच कर दिखाया। 22,000 मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत थी जिस वक्त हजरत उमर की वफात हो रही थी, इराक फतह हो चुका था, शाम फतह हो गया था, और जज़ीरतुल अरब में मुसलमानों का 22 लाख मुरब्बा मील पर, जज़ाकअल्लाह खैर, 22 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत थी, इस्लामी झंडा लहरा रहा था। इस हदीस में एक और हजरत उमर की जज़्वी फजीलत को जाहिर किया गया है कि उनके हद में फुतुहात की कसरत होगी। अरे ही कमीसुन ये जो हो में इसी की तरफ इशारा किया गया है, और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, फुतुहात की कसरत तो हजरत उमर के जमाने में हुई, लेकिन फुतुहात के लिए रास्ता किसने हमवार किया? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो हजरत अबू बकर की अफजलियत का मुकाबला हजरत उमर की अफजलियत नहीं कर सकती, क्योंकि हजरत अबू बकर की अफजलियत पर पूरी उम्मत का ईमान है कि सबसे पहले नबियों के बाद इस उम्मत में सहाबा इकराम में सबसे अफजल, सबसे पहली शख्सियत, फर्स्ट मैन कौन है? हजरत अबू बकर हैं। तो हजरत उमर की फुतुहात के लिए हजरत अबू बकर ने रास्ता हमवार किया था, खुरूब रिद्दा ने जिहादी दस्ते आपने भेजे, जो लोग ज़कात का इनकार कर रहे थे उनका मुकाबला किया। तो बहर कैफ हजरत फारूक आजम ने उनकी साफ की हुई इशारा पर चलना शुरू किया तो फुतुहात का एक तवील वारिक सिलसिला शुरू हो गया। तो मेरे यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे बड़े दीनदार, सबसे ज्यादा ईमान वाले, सबसे ज्यादा ताकतवर ईमान वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब का दर्जा है।
इस हदीस में बहुत सारे दावती फायदे भी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि फजर के बाद आप फजर की नमाज में शरीक सहाबे किराम से पूछा करते थे कभी कभी, आज किसी ने ख्वाब तो कोई ख्वाब तो नहीं देखा, तो अगर किसी ने ख्वाब देखा हो तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उसकी अच्छी ताबीर होती तो बयान कर देते। तो नेक ख्वाबों की ताबीर बयान करने को खिदमत दीन और दावत के दीन के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है और करना चाहिए। इसी तरीके से एक फायदा यह भी मालूम हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की तारीफ की इस ख्वाब के जरिए से। अगर कोई साहब सलाह और तकवा है उसकी हिम्मत अफजाई के लिए तारीफ करने की जरूरत पेश आए तो तारीफ की जा सकती है, शर्त यह है कि वो शख्स इस काबिल हो कि तारीफ करने के बाद उसके अंदर खुदपसंदी के जज्बात ना आए और उनके जज्बात ना आए, तारीफ को सुनकर तकब्बुर और घमंड ना करने लगे। तो हजरत उमर खाशा वकल्ला ऐसी शख्सियत नहीं थी कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से तारीफ सुनकर अपने आप में बढ़पन और किबर और घमंड का जज्बा पैदा होता। बहुत सादसारी थी हजरत उमर के अंदर, बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी थी। एक और फायदा यह साबित हुआ इस हदीस से कि खिदमत दीन और दावत दीन के दौरान तशबीह इस्तियारे किनाये के उसलूब इस्तेमाल करना चाहिए एक दाई को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमीज और दीन के दरमियान मुनासिबत पैदा करके, आपने बताया कि जिस तरीके से कमीज के जरिए से आदमी के अवयव बहुत सारे छुप जाते हैं, दीन और ईमानदारी और तकवे के जरिए से भी आदमी के बहुत सारे खामियों पे पर्दा पड़ जाता है। इसी हदीस को इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सुनन नसाई में एक बाब कायम किया, इसमें बाबुन फी ज़ियादत ईमान, बाबु ज़ियादत ईमान, ईमान की ज्यादती के बारे में, और इस हदीस को पेश किए जो भी आपने सुना। अच्छा, उसमें सुनन नसाई के शारह ने जो फवाइद लिखे हैं उसमें से एक फायदा ये लिखा है कि एक काम आलम बेदारी में मज़मूम हो तो वही काम आलम ख्वाब में महमूद और पसंदीदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर कमीज तखने के नीचे तक जमीन पर घसीटते हुए, इतनी लंबी कमीज पहनकर जमीन पर घसीटते हुए जाना ये शरीयत में मज़मूम और नापसंदीदा काम है, बल्कि मकरूह नहीं, हराम और नाजायज है। लेकिन वही काम ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत उमर इस तरह की कमीज पहन के जमीन पे घसीटते हुए जा रहे हैं, तो ये काम शरान मज़मूम मज़मूम और नाजायज नहीं है, क्योंकि ख्वाब से शरीयत के अहकाम साबित नहीं होते। नींद में उसे महमूद और पसंदीदा करार दिया गया और बेदारी के आलम में वही काम मज़मूम। और यही वजह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताबीर को कमाल दीन से फरमाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हजरत उमर का दीन बड़ा कामिल होगा, उनका ईमान बड़ा, उनका ईमानी मेयार बहुत ऊंचा होगा। इस हदीस से एक और फायदा यह साबित हुआ कि ख्वाबों की ताबीर की मशरूयत साबित हुई। अगर कोई सही मुआब्बिर ख्वाब की ताबीर बयान करने वाला अल्लाह ने किसी को इल्म दिया है और उसको इस फन में महारत है तो उससे ख्वाब की ताबीर पूछी जा सकती है। ख्वाब हर किसी के सामने नहीं बयान करना चाहिए, बुरे ख्वाब तो किसी के सामने नहीं बयान करना चाहिए। ख्वाब रहमानी होते हैं नेक ख्वाब, और शैतानी होते हैं ये बुरे ख्वाब। बुरे ख्वाब अगर आदमी को दिखाई दे तो उसके कई तरीके हैं। अल्लाह पहले तो अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए, अल्लाह मिन शैतानिर रजीम, फिर सूरह इखलास की तिलावत को माऊज़तैन वगैरह पढ़ के दाएं तरफ थूकना चाहिए, फिर करवट बदल के सोना चाहिए। इस हदीस से एक और बात मालूम हुई कि जिस तरह कमीज इंसानी बदन के अवयव और नकायस और कबीह चीजों की पर्दापोशी करती है, बहुत सारे अंदर इंसान के जिस्म में खामियां होंगी तो जब लिबास पहनता है तो वो सब छुप जाती है,
और कमीज के जरिए से लिबास के जरिए से इंसान जीनत और ज़ेवाइश करता है। इसी तरह दीन भी इंसान के अखलाक के ओहयो दीन और ईमान जब आता है तो उसके बहुत सारे अखलाक के ओहयो और नकायद पर पर्दा पड़ जाता है और दीन मदारी की वजह से बहुत सारे अखलाक की कमजोरियाँ दूर होती हैं। आदमी दीन को कबूल करने से पहले झूठ बोलता था, धोखा देता था और चीटिंग करता था, तो दीन और दीन इस्लाम को कबूल करने के बाद ये सब खामियां दूर हो जाती हैं। दीन इंसान को महज़ब और शायस्ता अखलाक वाला बना देता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कमीज से दीन और ईमान मुराद लिया है। एक जो सबसे अहम फायदा जिसके लिए इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन नसाई में इस हदीस को जिक्र किया है वो ये साबित करना चाहते हैं कि दीन इस्लाम ईमान और एहसान एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम, लिहाजा इस हदीस को ईमान में कमी बेशी के बाद में जिक्र करना दुरुस्त साबित हुआ। और इस हदीस से एक अहम बात यह साबित हुई कि ईमान में कमी बेशी हो सकती है, मुमकिन है। इसीलिए इमाम बुखारी ने इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सुनन नसाई में इस हदीस को बाब कायम किया। मैंने आपको बताया बाब ज़ियादत ईमान। और इमाम बुखारी ने विश्ता दर्श में हमने जो हदीसों की शरह की थी पहले दो हदीसों की उसमें जो बाब कायम किया है बाब ज़ियादत ईमान व नुकसान, ईमान की ज्यादती और कमी दोनों चीजें, ईमान में कमी भी होती है ज्यादती भी होती है। अच्छा हदीस के अल्फाज से ये बात भी वाज़ह है कि इस हदीस में अद्दीन से मुराद इस्लाम ईमान और एहसान। ईमान के तीन मकामात और मरातिब हैं, इस्लाम ईमान फिर एहसान। तो ये तीनों मकामात इस हदीस में मुराद हैं। तो सबका इस्लाम सबका ईमान सबका एहसान एक दर्जे का नहीं होता, एक लेवल का नहीं होता। जिस आदमी में जिस कदर इखलास होगा इताअत के मैदान में जो आदमी जिस कदर आगे होगा उसका ईमान ऊंचा होगा। ईमान की कमी पेशी के मसले को इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने सुनन इब्ने माजा की किताब सुन्ना में एक बाब बाबुल ईमान के नाम से बाब कायम किया है और यह हदीस सही है। अन जिंद बिन अब्दुल्लाह قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذارى فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا। حضرت जिंदब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर्दा कहते हैं कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी के सोहबत में रहा करते थे। वनहु फितयान हज़ारा, हम चंद नौजवान थे और तकरीबन सभी नौजवान हम लोग हम उम्र थे। तो इस हदीस से इस जुमले से मालूम हुआ कि इल्म हासिल करने के लिए आलिम की सोहबत जरूरी है। सहाबा किराम किसकी सोहबत में बैठ के इल्म हासिल करते थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस हदीस में क्या कहा गया? फतअल्लमना अल-ईमान क़ब्ल अन नतअल्लम अल-क़ुरआन, हमने पहले ईमानियात और अकायद अकीदे के मसाइल ईमान के मसाइल पहले सीखे, कुरान को बाद में सीखा। पहले कुरान ही सीखा, पहले ईमान के मसाइल सीखे, अकीदे के मसाइल सीखे। तो मालूम ये हुआ कि इल्म हासिल करने का तरीका ये है कि आदमी पहले सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करे? ईमान के मसाइल से, अकीदे के मसाइल सीखे। ثم تعلمنا القرآن, फिर हमने कुरान को सीखा। فزددنا به ایمانا, इस कुरान के जरिए से हमारा ईमान तरक्की कर गया। इस कुरान के जरिए से हम लोगों ने ईमान में तरक्की की। इस हदीस में एक अहम जुमला यह है कि नहनु फितयानुन हज़ारा, इल्म हासिल करने का गोल्डन एज जो होता है, सुनहरी उम्र जो होती है इल्म हासिल करने की, वो जवानी की उम्र होती है। इस उम्र में नौजवानी के नहीं, जवानी की उम्र। तो
नौजवानी में आदमी मुराहते के जो मरहला होता है उसमें इधर उधर भटकते रहता है, लेकिन जब उसकी जवानी शुरू होती है तो इसीलिए आप देखें सहाबे किराम में अक्सर बेशतर जवान जो मुसलमान हुए तो जवान थे, और हमेशा इंकलाब दुनिया में जवानों के जरिए से ही आता है, और जवानी के मरहले में संजीदगी से हर चीज को समझने की कोशिश करता है आदमी। सहाबे किराम ने दीन का इल्म उस वक्त हासिल किया जो इल्म हासिल करने की बेहतरीन सुनहरा वक्त होता है। इस हदीस से हमें यह भी मालूम हुआ कि सहाबे किराम के तलब इल्म के बाद में जो तरजीहात, सबसे पहले उन्होंने तवज्जो किस तरफ दी, ईमान और अकीदे के मसाइल सीखे। अल्लाह के नबी ने उनकी तरबियत जो की, पहले सबसे पहले पहले मस्जिद को चलो और नमाज पढ़ो, बाद में नहीं, ये मनहज सही नहीं है। तबलीग भी हमें करनी है, दावत का काम भी करना है, तो मनहज किसका इख्तियार करना होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सहाबा किराम का तलब इल्म के मुतालिक जो मनहज और तरीका कार था वो यही है कि पहले ईमान के मसाइल सीखे जाए, अकीदे के मसाइल सीखे जाए, फिर कुरान मजीद का इल्म हासिल किया जाए, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सीखी जाए। तो कुरान और हदीस का भी इल्म हम हासिल करें तो पहले उन आयात को इख्तियार करें जो अकीदे के मसाइल दिन से साबित होते हैं, मक्की दौर की आयतें। इस हदीस से भी ये भी मालूम हुआ कि सहाबे किराम का इल्म हासिल करने के ताल्लुक से जो तरीका कार था वो ये था कि 10 आयतें पढ़ते थे, समझते थे, उनके तकाजों के मुताबिक अमल करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो हुसूल इल्म का असल मकसद क्या है, उस इल्म पर अमल करना होता है। तो तालिबे इल्म को चाहिए कि जो इल्म हासिल करे उस पर खुद भी अमल करे, ताकि वो इल्म हमेशा याद रहे, आप सुनने के बाद समझने के बाद उस पर अमल कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर में नक्श की तरह याद हो जाता है। और इस इल्म का असल फायदा क्या है कि अल्लाह की रजा का हुसूल, अल्लाह को राजी करने के लिए हम हासिल करते हैं तो उससे हमारे दिल में तक्वा, तहारत, अल्लाह का खौफ और खशियत के जज्बात पैदा होते हैं। इन्नमा यख्शा मिन इबादिही उलमा, अल्लाह से सिर्फ उलमा ही डरते हैं का मतलब यही है कि उस इल्म से आपके दिल में तक्वा के जज्बात पैदा हो रहे हैं, हलाल और हराम का ख्याल आ रहा है, झूठ और धोखा और फरार से आप बच रहे हैं, तो समझिए कि उस इल्म का असल फायदा आपको हासिल हो रहा है। और अगर इल्म तो एक बंदा हासिल कर रहा है लेकिन उसका उसको सही फायदा हासिल नहीं हो रहा है तो यूं समझें कि इल्म बिला अमल, एक कहावत है अरबी में, कशजर बिला थमर, इल्म बिला अमल कशजर बिला थमर। आदमी ने तुकुम रेजी की बीज डाला जमीन में, छोटा सा पौधा निकला, उसको पानी दिया, मुख्तलिफ किस्म के जरा रसा अशिया से उसको महफूज रखा, निगहदाश्त की, खूब निगहदाश्त की और बड़ा ख्याल रखा उसका, वो दरख्त की शक्ल में बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वो दरख्त फल नहीं दे रहा है। दरख्त है तो बहुत कुशादा, बहुत बड़ा, फल नहीं दे रहा है, बांझ है। तो बगैर फल के दरख्त कितना भी खूबसूरत हो, आदमी उसको उस पर मेहनत करेगा, अरे तो बांझ है, बीमार है, छोड़ दो, दूसरा कोई ऐसा दरख्त लगाओ जो फल दे। तो इल्म हासिल करने के बाद उस इल्म का असल फायदा क्या है कि उस पर हम अमल करें, उस इल्म के जरिए से हमारे अंदर तक्वा पैदा हो, तहारत के जज्बात पैदा हो, अल्लाह का डर पैदा हो, अल्लाह का खौफ और खशियत पैदा हो, तो ये असल उस इल्म का फायदा है। इस हदीस का एक सबसे अहम फायदा ये मालूम हुआ कि इल्म और अमल में इजाफे से यकीनी तौर पर ईमान में भी इजाफा होता है। फतअल्लमना ईमान, पहले हमने क्या सीखा, कबला नतालम कुरान, कुरान को सीखने से पहले तुम मतालम कुरान फद्दना भी ईमाना, तो कुरान को सीखने के बाद हमारे ईमान में तरक्की हुई, इजाफा हुआ। तो मालूम यह हुआ कि इल्म हासिल किया उन्होंने, उस पर अमल किया, तो अमल में इजाफे की वजह से उनके ईमान में इजाफा हुआ, तरक्की हुई। तो इल्म और अमल से, इल्म और अमल में इजाफे से ईमान में तरक्की होती है, ईमान में ज्यादती होती है, ईमान बढ़ता है, ईमान परवान चढ़ता है। इस हदीस का जो आखिरी जुमला है, फिर मतअल्लमना कुरान फद्दना बिही ईमाना,
ईमान में कमी पेशी के बारे में एक वाज़ह और बयीन सबूत है, मुंह बोलता मैंने सबूत है और वाज़ह दलील है। इस हदीस में एक अहम फायदा यह मालूम हुआ कि तौहीद और अकायद का इल्म यकीनन इबादात और मामलात के इल्म से ज्यादा अहमियत है। यही वजह आप देखें कि कुरान मजीद में मक्की दौर में जो सूरतें नाज़िल हुई वो उनमें ज्यादातर जोर किस चीज पर दिया गया है, अकायद और ईमानियत पर दिया गया है। मदनी दौर में जो सूरतें नाज़िल हुई उनमें अहकाम और मामलात हैं और दीनी मसाइल बयान हुए, लेकिन उनमें भी अकीदे को नजरअंदाज नहीं किया गया, अकीदे को बिल्कुल भुला नहीं दिया गया है। वहां पर भी अकीदे के मसाइल जरूर मौजूद हैं, लेकिन मक्की दौर की तरह बकसरत मौजूद नहीं। और भी बहुत सारे फायदे हैं इसमें, इस हदीस में। तो इस हदीस से का खुलासा यह है कि सबसे पहली चीज जिसके जाने मुझे और आपको बल्कि सारे दुनिया के मुसलमानों को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, सबसे ज्यादा जिस पर तवज्जो देने की सख्त जरूरत है, वो अकायद और ईमानियात का बाब है। सच्ची तौहीद और खालिस ईमान के मामलात हैं, क्योंकि मेरे और आपके सारे दुनिया के तमाम मुसलमानों के नेक आमाल और जुमला इबादत के कबूलियत का मुकम्मल दारोमदार किस चीज पर है? ईमान की सेहत और अदम सेहत पर है। ईमान सही है, हमारी नीतियां नेक आमाल हमारी इबादतें कबूल हैं। अकीदा सही नहीं है तो आसमान से बातें करने वाले नेकियां आप कमा रहे हैं, लेकिन वो आपके अल्लाह के पास कबूल नहीं होंगी। आखिरत में नजात का भी दारोमदार, जहन्नम से भी नजात, आजादी, जन्नत में दाखिले के लिए परवाने भी, उसके लिए क्या चीज शर्त है? शर्त अव्वल ईमान, खालिस ईमान, सच्चा अकीदा। अगर इंसान का ईमान सही है, अकीदा खालिस है, तो आखिरत में नजात मुमकिन है। गुनहगार भी अगर है तो गुनाहों के सजा का अल्लाह के मशीयत में होगा, अल्लाह चाहे तो उसको माफ कर दे और बराह रास्त जन्नत में भेज दे, और चाहे तो गुनाहों के सजा देने के बाद जन्नत में भेजे। मेरे भाई, बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, बदकिस्मती से सबसे कम तवज्जो अकायदा ईमानियात पर ही दी जाती है। खासतौर से हमारे हिंदू पाक के जो अरबी मदारिस हैं, आजकल थोड़ा सा अल्लाह का फजल और करम हुआ है, जब से सऊदी अरब के दीनी यूनिवर्सिटियों से उलमा फारिग होके जा रहे हैं तो कुछ दीनी बीदारी आ रही है, वरना हम लोगों ने वहाँ जो अकीदा पढ़ा या अकीदे की किताबें पढ़ी सिवाय एक आध किताब के, बाकी सब अकीदे की जो किताबें वहाँ थी वो सब मातुरीदी अकीदा, मुतज़िली अकीदा, अशारी अकीदा, यही इसी किस्म की किताबें पढ़ाई जाती हैं। पहली बात तो ये है कि अकायदा और ईमानियात को सिलेबस में शामिल ही नहीं किया जाता, और कहीं बाद मदारिस में शामिल भी किया गया तो सिर्फ के अकायद की किताबों के बजाय अशारी, मातुरीदी, मुतज़िली अकायद की किताबें दाखिल की गई हैं। तो जिन किताबों को पढ़ने के बाद एक मुसलमान का अकीदा क्या बनता है? अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, अल्लाह का हकीकी कलाम बताने के बजाय उसको क्या बताते हैं? ये कलाम नफ्सी है। क्या मतलब? अल्लाह ताला के कलाम का तर्जमा शुदा एडिशन है, अल्लाह के कलाम का तर्जमा शुदा एडिशन है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के दिल में एक बात जो कहना चाहता था डाल दिया, उस कलाम को जिब्रील अमीन ने अल्लाह के नबी के दिल में अल्लाह के हुक्म से डाल दिया। बात ऐसी नहीं है, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के सामने कुरान मजीद की तिलावत की, और तन्नाहु तर्दीला कुरान मजीद की आयत है, फिर जिब्रील अमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के कुरान मजीद की आयतों की वैसे ही तिलावत की जैसे जिब्रील अमीन ने अल्लाह के नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को सुना, वैसे ही सहाबा किराम को सुनाया। तो ये कुरान सीना ब सीना बिल मुशाफा सामने बैठकर सीखा जाता है, आज तक यही तरीका रहा है। ये कलाम नफ्सी नहीं है, अल्लाह ताला के कलाम का तर्जमा शुदा एडिशन नहीं है, और
लोगों ने अल्लाह के अस्मा और सिफात को बिना मानी और तमाम सिफात को सिर्फ सात सिफात में महसूस करके रख लिया, बाकी सिफात की बेजा तावील की गई या इनकार कर दिया गया। तौहीद की जो असल हकीकी शक्ल और सूरत थी, रोज रोशन की तरह, चौदहवीं रात की चांद की तरह या दोपहर के सूरज की तरह, वो मस्क होके रह गई, बल्कि वहदानियत की हकीकी शक्ल एकदम धुंधली पड़ गई। इतना ही नहीं, आप बार बार सुनते आ रहे हैं कि यह आमाल ईमान के अंदर दाखिल नहीं है। लोग कहते हैं कि आमाल की चिंता जरूरत नहीं है, ईमान के बाद में आमाल की कोई तासीर नहीं है। तो आमाल का रिश्ता ईमान से काट के रख दिया है और वहदत ईमान का अजूबा पेश किया गया। सबका ईमान बराबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान, जिब्रील का ईमान, एक आम उम्मती का ईमान, सब बराबर कैसे हो सकते हैं? नऊज़ु बिल्लाह, बल्कि यहां तक कहा गया है जिब्रील अमीन और इब्लीस अलैहिम के ईमान में भी कोई फर्क नहीं। इब्लीस को भी मारिफत थी अल्लाह की, ईमान सिर्फ मारिफत। तो फिर लोग कहते हैं कि ईमान सिर्फ मारिफत का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि ईमान सिर्फ इकरार का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि ईमान सिर्फ तस्दीक का नाम है। तस्दीक का नाम है तो तस्दीक के तो सब बराबर हैं। तो इस तरह की बातें की जाती हैं। वह कैफ एक फारसी शायर कहता है, खिश्त अव्वल चून है मेहमान कज तासुरिया मेरा दीवार कज, पहली ईंट ही टेढ़ा मेहमान टेढ़ी रख देता है, उसको काम नहीं आता, टेढ़ी रख दिया तो आप आसमान तक भी वो आप महल उसको बुलंद उठाए, वो दीवार सीधी है आपको नजर आएगी नहीं, टेढ़ी जाएगी। तो पहली ईंट शर्त अव्वल, पहली ईंट हमारी जिंदगी क्या है? अकीदा और ईमान, इसको सारी सड़क को, इसमें मिलावट मत करो इसको। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो ईमान सिखाया, जो अकीदा दिया, उसी अकीदे पर कायम रहो तो आखिरत में भी नजात मुमकिन है और दुनिया में भी नेक आमाल के कबूलियत मुमकिन है। अहादीस बहुत हैं, वक्त की तंगदामनी की वजह से और बहुत सी बातें बयान किए बगैर मैं इल्मी कुछ फवायद जो मुझे नहीं पता है कि आने दस में हमारे साथ कितने किस मेयार के लोग शरीक हो रहे हैं, बहुत सारे फवायद को मैं छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। एक और हदीस है जो सुनन नसाई की है, इमाम नसाई ने किताब उल ईमान में एक बाब कायम किया है, इमाम बुखारी की तरह। इमाम बुखारी का भी एक बाब है तफादुल अहले ईमान फिल अमाल। तो इसमें एक हदीस लाए, उस हदीस का मतलब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से रिवायत है, वो कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा हड्डियों के किनारे तक ईमान से लबालब भरे हुए। अम्मा बिन यासिर, इनको मुशरिकों ने बहुत सताया है, सभी के अवलीन में से हैं। उनकी वालदा अव्वल इस्लाम की राह में अपने खून का नजराना, चमकिस्तान के इस्लाम की सिंचाई अपने खून से करते हुए दुनिया से पैरी हो गई। तो इस्लाम के अव्वलिन शहीदा, तो ये हजरत अम्मार के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार हड्डियों के किनारे तक ईमान से भरे हुए हैं। हड्डियों के किनारे का मतलब कोहनियों की हड्डियां हैं, घुटने की हड्डियां हैं, आपके शोल्डर कंधों की हड्डियां हैं, जो जिस्म के रग रग रेशे में ईमान भरा हुआ है। और तिर्मिजी में इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और हदीस हजरत अम्मार के अलावा हजरत अली और हजरत सलमान के बारे में वो रिवायत लाए हैं, कहते हैं कि इन्नल जन्नत लतश्ताकु इला थलाथा अली व अम्मार वो सलमान, जन्नत तीन आदमियों के लिए बड़ी मुश्ताक रहती है, शौक भरी निगाहों से उनका इंतजार करती है, हजरत अली का, हजरत अम्मार का, हजरत सलमान का। हम सब जन्नत के मुश्ताक हैं,
हम सब जन्नत के शौकीन हैं, लेकिन जन्नत भी कुछ लोगों को का इंतजार कर रही है, तो उनमें हजरत अम्मार भी हैं। तो किस कदर उनका ईमान बुलंद था और किस कदर ईमान से उनके दिल लबालब भरा हुआ था कि जन्नत जैसी जन्नत भी उनके इस्तकबाल के लिए इंतजार कर रही है, शौक भरे निगाहों से इंतजार कर रही है, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि हजरत अम्मार हड्डियों के किनारों तक ईमान से लबालब भरे हुए हैं। तो एक मुशाश का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल किया गया जिसके माने होते हैं हड्डियों का किनारा, कोहनी की हड्डियां, टखने की हड्डियां, घुटने की हड्डियां, कंधे की हड्डियां वगैरह। तो इस हदीस से हजरत अम्मार बिन यासिर की फजीलत साबित हुई और उनकी ईमान की तारीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो यहाँ एक अहम हकीकत की तरफ इशारा करना मकसूद है कि ईमान में अगर सब बराबर होते हैं तो हजरत अम्मार के बारे में तमाम सहाबा को आपने एक तरफ किया, हजरत अम्मार के बारे में इस किस्म की तारीफ अल्फाज ईमान के बारे में, तो सब ईमान एक, सब मोमिन एक जैसे नहीं होते और सबका ईमान एक जैसा एक लेवल पे नहीं होता, अल्लाह ताला के नजदीक उनके दर्जे और मरातिब भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो बाप जो कायम किया है इमाम नसई ने, उसका मकसद भी यही है कि ईमान कम वेश हो सकता है, ईमान बढ़ता भी है घटता भी है। और जो लोग ये कहते हैं कि ईमान ही कहे ईमान ही जिब्रील, मेरा ईमान जिब्रील के ईमान के जैसा है उनके बराबर है, इनका कौल दुरुस्त नहीं है। ईमान में कमी पेशी एक कते अमर है, दलाइल का अंबार है, बहुत ज्यादा दलाइल है, इतने सारे दलाइल होने के बावजूद भी कुछ लोग बजिद हैं, मजहबी तासुब का मसलकी तासुब का सत्यानाश हो, अल्लाह बर्बाद करे इस मजहबी तासुब को। जब तासुब का चश्मा लगता है ना आदमी के निगाहों पर, तो इतनी दलाइल कुरान के, इतनी दलाइल हादिस के होने के बावजूद, अजी वो तो मेरे इमाम का कौल है, वो तो मेरे शेख का कौल है, वो तो हमारे पीरे तरीकत का कौल है, वो तो हमारे शेख तरीकत का कौल है, वो तो हमारे हजरत जी का कौल है, अजी इन तमाम हजरत जी से और आला हजरतों से सबसे बड़े इमाम कौन है? मेरे और आपके आका खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन खतीबुल अंबिया अफजलुर रुसुल वल अंबिया, सबसे ज्यादा अफजल इंसान जिसको अल्लाह ने पैदा किया है मेरे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे और आपके इमाम। तो दलाइल आप सुनते जाएं और यकीन करते जाएं कि ईमान में कमी बेशी मुमकिन है। हजरत एक और रिवायत अबू दाऊद में मौजूद है, इमाम अबू दाऊद ने इस पे जो बाब कायम किया है, बाब दलील अला ज़ियादत ईमान व नुकसानी, ईमान में ज्यादती और नुकसान का पर दलील, तो उसमें हजरत अबू उमामा की रिवायत लाए हैं, नबी उमामा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु قال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان। हजरत अबू हुरैरा رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا जिसने अल्लाह के लिए किसी अल्लाह के मुसलमान मोमिन बंदे से मोहब्बत की अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ दुश्मनी भी की तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और किसी को कुछ दिया तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, किसी को किसी चीज से रोका मना किया नहीं दिया तो भी उसने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, इन तमाम आमाल में सिर्फ अल्लाह की रजा को मरहूज नजर रखते हुए उसने काम किया, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल किया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो मालूम यह हुआ कि मोहब्बत दिल का अमल है, मोहब्बत और नफरत ये किसी दिल में पैदा होते हैं, और अल्लाह के लिए मोहब्बत की जाती है तो सारे लोगों से हम जो सबसे मोहब्बत करते हैं सबसे मोहब्बत एक सा नहीं हुआ करती, किसी से मोहब्बत ज्यादा होती है किसी से मोहब्बत कम होती है, जिस कदर ताल्लुकात आपके जिससे गहरे होते हैं उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत होगी। तो ईमान का मामला भी ऐसे ही है, तो अल्लाह के लिए अगर आप मोहब्बत करते रहें, अल्लाह के लिए किसी से इजहार बेजारी और नफरत करते रहें, अल्लाह के लिए किसी को आपने दिया है, अल्लाह के लिए किसी को आपने नहीं दिया रोका है, तो
ये चार चीजें ऐसी हैं जिससे आदमी का ईमान मुकम्मल होता है। तो मालूम हुआ कि जो चीज मुकम्मल हो सकती है, कामिल हो सकती है, उसके अंदर नस भी, जैसे इन आमाल के अंदर नस पैदा होगा, ईमान में भी नस पैदा होगा। इस माने की जितने अहादीस हैं जिनमें कमाल ईमान का जिक्र है, ये तमाम अहादीस इस बात का सबूत हैं कि ईमान में कमी बेशी होती है, क्योंकि कामिल चीज हमेशा वही होती है जो पहले नाकिस हो। एक चीज नाकिस है तो उसके अंदर कमाल पैदा होते होते उसके अंदर आप नेकियों पर नेकियां, नेकियों पर नेकियां, नेक अमल करते जाएंगे तो उसके अंदर कमाल पैदा होता है। एक और हदीस जो सही बुखारी में है लेकिन किताब अल ईमान में नहीं, उसके इमाम बुखारी ने बाब कैफ काना यमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिक्र किया है। حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام حضرت عبد الله بن هشام معروف واقعہ ہے اپ لوگ اکثر کیا بلکہ ہمیشہ بہت سن چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الله بن هشام کہتے ہیں کہ ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، اللہ کے نبی حضرت عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے کہیں جا رہے تھے۔ نبی اکرم فقال له عمر يا رسول الله، प्यार मोहब्बत दोस्ती, तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس إلا من نفس، आप मुझे दुनिया के हर चीज से ज्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान के, मेरे नफ्स के। فقال النبي صلى الله عليه وسلم، प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के इस गुफ्तगू में जो जुमले आए थे उसके करेक्शन किया, तस्लीम फरमाए لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسي، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو، کامل ہو، تم اس وقت تک کامل ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو میں تمہارے نزدیک۔ فقال له عمر فانه الان والله لانت احب الي من نفسي، اے اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، پیارے ہیں۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر، प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ, अब तुम कामिल ईमान वाले मोमिन हो, अब तुम मोमिन कामिल हो। तो मालूम यह हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में कमी जब होती है तो ईमान में कमी आती है। मोहब्बत में जब इजाफा होता है, तरक्की होती है, मोहब्बत बढ़ती है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में हम जिस कदर आगे निकल जाएंगे, आपके हर बात को बगैर चुनो चरा के मानते चले जाएंगे तो हमारे ईमान में इजाफा होगा। इस हदीस के बड़े बहुत से फवायद हैं। पहला फायदा तो ये हुआ, मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी हजरत उमर को किस कदर वालेहाना तौर पर चाहते थे कि उनका हाथ पकड़ के चलते थे। तो दोस्त दोस्त का ही हाथ पकड़ के चल सकता है, जिसके दिल में किसी के बारे में नफरत हो तो वो उसका हाथ पकड़ के नहीं चल सकता। और इस हदीस में एक बात ये भी मालूम हुई कि अल आन या उमर, ए उमर अब तुम्हारा ईमान कमाल को पहुंच गया, पहले कमाल को पहुंचा नहीं था, ईमान में नक्स था। तो मालूम हुआ कि ईमान में कमी बेशी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं इस हदीस के। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस तरह के कसम के अल्फाज होते थे वो सब। तो वक्त की तंग दामनी की वजह से एक और हदीस हम पढ़कर उसके फवायद जानने की कोशिश करते हैं। ये भी सही बुखारी की हदीस है लेकिन इमाम बुखारी ने इसे किताबुल ईमान में नहीं जिक्र किया, इसको किताबुल मदारिज में जिक्र किया है। عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهب وهو مؤمن۔ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی مؤمن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا، शराबखोर मोमिन रहते हुए शराब नहीं पी सकता, चोर मोमिन रहते हुए चोरी नहीं कर सकता, कोई शख्स मोमिन रहते हुए लूट मार और गरबगिरी नहीं कर सकता कि लोगों की नजरें उसकी तरफ उठी हुई हो और लूट रहा हो।
ऐसा नहीं हो सकता। तो इस हदीस का जो सही मफहूम है सही कौल के मुताबिक वो ये है कि जो इन मासी का इन गुनाहों का इर्तिकाब करता है वो शख्स कामिल ईमान नहीं। आदमी जब गुनाह करेगा तो उसी गुनाह के बकदर उसका ईमान घटता चला जाएगा, वो नाकिसुल ईमान होता जाएगा। इन जराइम की इर्तिकाब की वजह से उसका ईमान कम होता जाएगा। ये बात का पक्का सबूत है कि ईमान में कमी बेशी होती है। यही वजह है कि इस हदीस पर सही बुखारी सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पर जो उन्वान कायम किया है मासी की वजह से ईमान में कमी, मासी की वजह से ईमान में कमी का बयान। तो मालूम हुआ कि गुनाहों की वजह से ईमान में कमी आती है तो नेकियों की वजह से नेक कामों के वजह से ईमान में इजाफा होता है, तरक्की होती है, ईमान बढ़ता है। इसी हदीस पर इमाम अबू दाऊद ने एक उनवान यह कायम किया है कि इस बात की दलील का बयान कि ईमान में कमी बेशी होती है, ईमान में कमी बेशी होती है। तो इमाम अबू दाऊद ने भी इस हदीस को अपनी सुनन अबू दाऊद में लाकर साबित करना चाहते हैं कि ईमान में कमी बेशी होती है। गुनाह के काम करेंगे तो ईमान घटेगा, नेकियों के काम करेंगे ईमान बढ़ेगा, रहमान की इताअत की जाएगी ईमान बढ़ेगा, शैतान की इताअत की जाएगी तो ईमान घटेगा। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी किताब में जिक्र करने के बाद वो कहते हैं हदीस में जिन गुनाहों का जिक्र किया गया है उनका इर्तिकाब करने वालों से कमाल ईमान की नफी की गई, मतलब है कि पूरे ईमान की नफी नहीं की गई, बिल्कुल पूरा ईमान उनका खत्म हो जाएगा ये अकीदा हम मुसलमानों का नहीं है, अहले सुन्नत व जमात का नहीं है। अहले सुन्नत व जमात से मुराद हरी पगड़ी वाले नहीं, अहले सुन्नत व जमात से मुराद सहाबाए किराम के मनहज पर चलने वाले, किताब व सुन्नत का तरीका अपनाने वाले लोग। तो जो गुमराह लड़के हैं जैसे खवारिज हैं उनका अकीदा यह है कि जब भी कोई आदमी कबीरा गुनाह करता है तो दीन अगर वो तौबा किए बगैर माफ हो तौबा किए बगैर मर गया कबीरा गुनाह करने के बाद तो दीन इस्लाम से खारिज होता है, उसको असर न हो दीन इस्लाम में आने के लिए कलिमा पढ़ना होगा, तौबा करना होगा, ईमान की तजदीद करनी पड़ेगी। हम अहले सुन्नत वल हदीस का या अहले सुन्नत वल जमात का जो सहाबे किराम के मनहज पर चलने वाले लोग हैं उनका अकीदा यह है कि कबीरा गुनाह से आदमी का ईमान ईमान की दौलत से महरूम नहीं होता, इस्लाम से खारिज नहीं होता, वो अल्लाह की मशीयत में होता है, तौबा किया तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो इन गुनाहों की वजह से उसमें नक्स जरूर पैदा होता है, उसके ईमान में नक्स जरूर पैदा होता है। तो उसकी दलील क्या है कि भाई ये ईमान कमाले ईमान की नफी की गई है, पूरे ईमान की नफी नहीं की गई है, इसकी दलील क्या है? उम्मत का सारे उम्मत के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक और इजमा है कि एक जानी शख्स, एक चोर शख्स, एक शराबी शख्स अगर मुसलमानों के क़िबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा है और उनके हाथ का ज़बीहा खा रहा है, इस्लाम की तरफ इंतसाब रखता है, तो अपने मोमिन रिश्तेदार जब उसके रिश्तेदार वफात पा जाएंगे तो उनका वारिस होगा। अगर वो काफिर होता तो काफिर मुसलमान काफिर मोमिन का वारिस नहीं बन सकता। उम्मत के उलमा का इस बात पर भी इजमा और इत्तेफाक है कि काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। तो मालूम हुआ कि कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला या छोटे गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला उसका ईमान और नाकसुल ईमान होता है और उसके ईमान कमाल ईमान में कमी आती है, वो ईमान की दौलत से मुकम्मल तौर पर हाथ नहीं धो बैठता जैसा खवारिज कहते हैं। इस हदीस से बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने ईमान की कमी बेशी के मसले के मुताबिक इस्तदलाल किया है, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़ा नाम है मुहद्दिसीन में, 52 जिल्दों में उनकी हदीस की किताब छप चुकी है की तहकीक के साथ, इमाम इब्न अब्दुल बर की आपने बात सुनी, इमाम बैहकी, इमाम खल्लाल उनकी किताब सुन्ना, इमाम आजोरी उनकी किताब शरिया, इमाम इब्न तैमिया उनकी किताब अल ईमान है,
इमाम इब्न कईम, इमाम इब्न बत्ता उनकी किताब अलिबाना है, इमाम इब्न मंदा उनकी उन्होंने अपने किताब अलिमान में, इन तमाम उलमा ने सभी से साबित किया है कि गुनहगार मोमिन नाकस ईमान होता है और वो कामिल ईमान उसका गुनाह करने की वजह से खत्म नहीं हो जाता, ईमान बाकी रहता है, अल्लाह की मशीयत में रहता है। इस हदीस के और भी बहुत सारे फायदे हैं, वक्त की तंगी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी मशहूर हदीस है, मुख्तसर है, उसको सुना के मैं बात को खत्म करता हूं। उस हदीस के रावी भी हजरत अबू सईद खुदरी हैं, वो कहते हैं कि समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगयिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिकल्बिही वधालिका अज़ाफुल ईमान। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अपने किताबों में जिक्र किया है, लेकिन इमाम मुस्लिम ने जो बाब कायम किया है वो काबिले गौर है। इमाम मुस्लिम ने जो बाब कायम किया है, बाब बयान कौन नहीं यानी मुनकर मिन अल ईमान, बुराई से रोकना है ईमान का एक हिस्सा है। अंदर ईमान यजीद व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है कम भी होता है, ये बाब कायम किया है इमाम मुस्लिम ने, और भी लंबा बाब है। अमर का बिन मारूफ, नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, ये वाजिब है दोनों भी। तो इसमें अमर बिन मारूफ और नहीं अन मुनकर के तीन मरातिब बयान किए गए हैं। जिसका ईमान ताकतवर होगा वो क्या करेगा, अपने हुदूद में जो उसके मातहत लोग हैं कुव्वत बाजू से हाथ से रोकने की कोशिश करेगा, और उससे भी कमजोर दर्जे का ईमान रखने वाला जो औसत दर्जे का ईमान रखने वाला शख्स है हाथ से रोक नहीं सकता तो किससे रोकेगा, जुबान से रोकेगा, ये औसत दर्जे का मोमिन है। और आखिरी और तीसरा कमजोर दर्जे का ईमान ये है कि दिल में जा रहा है, मिसाल के तौर पर कल की बात है, मगरिब की नमाज के लिए हम जा रहे थे तो मस्जिद के सामने बिल्कुल एक बार बैठने के लिए एक इस्तराहा बना हुआ है, और मस्जिद के और उस तराह के दरमियान 50 मीटर की भी दूरी नहीं, वहां बच्चे मगरिब के वक्त, जवान बच्चे छोटे नहीं जो बालिग बच्चे हैं, फुटबॉल खेल रहे थे। मैंने कहा अल्लाह शबाब सला नमाज चल रही है, आप चले आगे चले हम आपके पीछे हैं। फिर वापस आने के बाद भी वो बराबर खेलते रहे, लेकिन हमारा कमजोर दर्जे का ईमान कि भाई हम दिन में बुरा मान के जाते हैं, कुछ लोग जुबान नहीं खोलते, हम अगर बुलाएं जुबान से तो ये दूसरे दर्जे का ईमान होगा हमारा, औसत दर्जे का, और वहां हमारा हम कानून को हाथ में तो नहीं ले सकते, हम उनके वली अमर तो नहीं है कि उनको मार पीट के मस्जिद को भगाएं। ये काम किसका है, हैतुल अमर बिन मारूफ और नहीं मुनकर का है। तो वो तो इसमें भी बड़े शरायत हैं अमर बिन मारूफ और नहीं मुनकर के काम करने के। तो इसमें ईमान के तीन दर्जे बताए गए, तो मालूम ये हुआ कि ईमान एक ही लेवल पर एक सा, सबका ईमान एक सा और एक जैसा नहीं हो सकता। इस हदीस के बड़े फवायद जिक्र किए गए हैं, 8-10 फवायद हैं, वक्त की तंगी की वजह से हम यहीं पर अपने दर्स को रोकते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। इस हदीस पर भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बड़े अबवाब कायम किए हैं और बहुत से फवायद बयान किए हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को, कुरान मजीद को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए, दीन का सही इल्म अता फरमाए, उस इल्म की सही समझ अता फरमाए, और उस समझ के मुताबिक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।